कपूर के पास, डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स में काम करते हैं साहिल, और मैक्रो और मार्केट्स को जोड़ के तस्वीर बनाते हैं। साहिल, गुड आफ्टरनून। पहले ये बताएं कि बाजार के मन में चिंताएं क्या हैं। एक वैल्यूएशन लेके चिंता है कि हम शायद विदेशी बाजारों के मुकाबले अभी भी महंगे हैं, या थोड़ी एडजस्ट हो गई है, फ्लोज को लेके चिंता है, कुछ मैक्रो के लेके चिंता है। आपने वो सारे जो वरीज ऑफ द मार्केट जिसे कहते हैं, उन चिंताओं को कैसे एनालाइज कर रहे हैं आप? अजय, एक बड़ी जो चिंता का जो विषय था वो ये था कि हमारी वैल्यूएशन है, जो आपने बोला, पीयर सेट के मुकाबले, बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले काफी महंगी थी। तो अगर आप अक्टूबर 22 पे जाएंगे तो मिड अक्टूबर के आसपास हम तकरीबन 90% प्रीमियम पे थे इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले। सो इंडिया का जो पीई है वो इमर्जिंग मार्केट से 90% ज्यादा था। हिस्टोरिकली लास्ट 20 साल का डेटा देखें तो जनरली हम 40% प्रीमियम पे ट्रेड होते हैं। हम हमेशा प्रीमियम पे ही ट्रेड होते हैं, बट ये प्रीमियम बहुत ज्यादा था पिछले 3 से 4 महीने में। ये जो करेक्शन अभी हुआ है उसकी वजह से प्रीमियम घट के जो 90% प्रीमियम था अभी 54% के आसपास आ गया। तो हम 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से वापस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के नीचे आ गए। सो देर इज अ लॉन्ग फेज ऑफ कंसोलिडेशन लास्ट 3 महीने में जो हुआ है, उसकी वजह से वैल्यूएशन अब बेहतर हो गए हैं पहले से, लेकिन अभी भी एवरेज से थोड़े ऊपर हैं। तो एक ये रीजन था जहां पे हमने देखा है कि एफआई फ्लोज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे और आउटफ्लोज भी हुए। मुझे लगता है कि अब ये एक चिंता का विषय जो है ये कम हो गया है पहले के मुकाबले। दूसरा, अगर आप देखेंगे निफ्टी, जो आपने मैंने देखा शो के शुरू में भी आप बात कर रहे थे, बहुत स्मॉल रेंज में है। तो मुझे याद है 2013 में एक ऐसा वक्त था जब निफ्टी कुछ तकरीबन 40 सेशन के लिए 40 सेशन तक 1% की रेंज में ट्रेड हुआ था। और तो ऐसे ही हिस्टोरिकली हमने देखा है। जैसे मैं आपको एक पैरेलल बताता हूँ, 2011 से 13 के बीच में एक ऐसा समय था जब निफ्टी 40 महीनों तक नया हाई नहीं बना सका था। वो एक रेंज बाउंड मार्केट था बहुत बड़ा। और अभी का भी अगर आप समय देखेंगे, अक्टूबर 21 जो पीक किया था निफ्टी ने, हालांकि उसके बाद एक लाइफ टाइम हाई बनाया है, बट कोई कंक्लूसिव रैली नहीं आया है। तो ये 17 महीने के अंदर एक बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है, और इस कंसोलिडेशन के कुछ बड़े अच्छे नंबर हैं जो आपको ये बताते हैं कि मार्केट ने क्या किया इस दौरान। तो अगर आप अर्निंग्स देखोगे, ईपीएस निफ्टी का तकरीबन 29% से बढ़ा है इन 17 महीनों के अंदर। अगर आप पीई देखोगे, उस समय 28 का पीई था पीई मल्टीपल ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे, आज 21 का है, तो 700 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन है। प्राइस टू बुक भी तकरीबन 45 बेसिस पॉइंट से नीचे आ गया है, पहले 4.5 के ऊपर था, अभी 4 के आसपास हो गया है। और इसी दौरान निफ्टी जो है वो 3.5% नीचे है। तो ये 17 महीने का एक बड़ा कंसोलिडेशन फेज है, और हिस्टोरिकली हमने देखा है जब सेकुलर बुल मार्केट होते हैं ऐसे बड़े कंसोलिडेशन फेज आते हैं, और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए फेज काफी अच्छे होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा निवेश कर सकते हैं एक बुल मार्केट को मैच्योर होने से पहले। अच्छी बात बोली आपने। ये देखिए, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी ये बता रहा है कि हम बहुत ज्यादा डल मार्केट है ये, और कोविड लोज के नियर पहुंच गए एडवांस डिक्लाइन। अक्सर ये बताता है कि बॉटम इसी तरह के डेटा पॉइंट्स बनाते हैं, लेकिन वो पॉइंट पे वापस जाएंगे। साहिल, आपने बताया इस तरह के रेंज बाउंड डल मार्केट्स ओवरऑल स्ट्रक्चरल बुल मार्केट्स का एक अहम हिस्सा है। उसमें रिटेल इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए कि वो, अगर जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, एक टाइम होता है बुआई का और एक दूसरा समय होता है कटाई का, तो ये जो है सोइंग का टाइम है, ताकि आप 2-3 साल के बाद हार्वेस्ट कर सकें, अगर आपने सही टाइम पे इन कुछ महीने डल महीनों में पैसा लगा दिया। वो ग्राफिक लेके आइए, क्योंकि वैल्यूएशन अब रोल ओवर हो जाएगा 6 महीने में, राइट? आपने वैल्यूएशन निफ्टी या सेंसेक्स से वैल्यूएशन पर काम किया है, कब वो 2024 को मानने लगेगा, 25 को मानने लगेगा, वो बातें लेके। जी, तो अजय, हम ऑलरेडी FY23 के एंड पे आ गए हैं, और मार्केट अभी ऑलरेडी FY24 की वैल्यूएशंस की तरफ देख रहा है। तो अगर आप उस बेसिस पे देखेंगे, अगर मार्केट कंसेंसस देखेंगे, तो मार्केट कंसेंसस है कि FY24 में निफ्टी तकरीबन 1000 रुपए का ईपीएस कर सकता है। एस्टिमेट्स वेरी करते हैं 950 से 1000 के बीच में। तो अगर आप 1000 रुपए का एक बॉल पार्क नंबर लेके चलते हैं, तो मार्केट ऑलरेडी 18 टाइम्स के नीचे ट्रेड हो रहा है, उसका लॉन्ग टर्म एवरेज भी तकरीबन 17.5 के आसपास है। तो हम एवरेज से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है अगर आप जस्ट फॉरवर्ड नंबर्स के ऊपर देखें। लेकिन निफ्टी के नीचे सेक्टोरल बेसिस पे बहुत सारे ट्रेंड इमर्ज हो रहे हैं, मे बी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने टच किया कि ये डल मार्केट है काफी,
तो पुराना एक कन्वेंशन सेइंग है, यू नेवर शॉर्ट अ डल मार्केट, बट यूजुअली हमने देखा है डल मार्केट के बाद जब वोलेटिलिटी बढ़ती है, मार्केट कोई भी डायरेक्शन ले सकता है, कभी कभी वो डायरेक्शन नीचे की तरफ भी होता है, जिसके बाद अच्छी रैलीज क्रिएट होती है मार्केट में। तो मुझे लगता है कि जैन फेब के अंदर जो एक कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं, वो एक ऐसा समय है जहां निवेशकों को, जो आपने बोला, सोइंग करनी चाहिए, बोना चाहिए, ताकि उसके बेनिफिट आगे रीप करें। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एक इंटरनेशनल स्ट्रेटजी है जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करती है, पिछले एक साल में हमने देखा कि जो उसका बेंचमार्क इंडेक्स है वो तकरीबन 30% गिरा, और अभी भी 10-12% नीचे है पॉइंट टू पॉइंट पे। लेकिन अगर निवेशकों ने उसी स्ट्रेटजी में SIP किया होता, तो उन्होंने तकरीबन 10 से 12% का रिटर्न बनाया। तो एक बहुत बड़ा अंतर है, जहां पे इंडेक्स 10% नीचे है और स्ट्रेटजी 10 से 12% ऊपर है। तो ये इसका मेन कारण यही है, बुरे समय में या कंसोलिडेशन के समय में लगातार निवेश करते रहना, और जब मार्केट इंप्रूव होता है तो उसके बड़े रिटर्न्स मिलते हैं। ठीक है साहिल, एक चीज़ आपसे और पता करनी थी। अभी जैसे आप कह रहे हैं कि कंसोलिडेशन है, ठीक है, मान लिया कंसोलिडेशन है, शायद थोड़ा और भी चल जाए, लेकिन उसके बाद लीडर कौन है इस कंसोलिडेशन में से? अमृत कौन निकलेगा? अमृत वाला बताइए, विष वाला हिस्सा हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, अमृत वाले हिस्सा कौन सा है? देखिए, जहां दो तीन डिम्पी क्लियर सेगमेंट्स हैं, जैसे फाइनेंशियल्स है एक, जहां पे हम देख रहे हैं कि लगातार नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, अभी भी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट उनका मल्टी ईयर लो पे चल रहा है। पिछले रिजल्ट, जो अभी रिजल्ट सीजन खत्म हुआ, उसमें भी हमने देखा कि सबने अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए, और ये ट्रेंड अभी तक बना हुआ है, इस ट्रेंड में कुछ चेंज नहीं आया। तो मुझे लगता है फाइनेंशियल्स, अगर आप 1 ईयर फॉरवर्ड वैल्यूएशन पे केवल बैंक निफ्टी को भी उठाएंगे, तो 1.9 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड हो रहा है, जो कि मल्टी ईयर लो है इसकी वैल्यूएशन पे। तो ये एक BFSI, एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे पॉजिटिव रुझान बना रहेगा, और BFSI तकरीबन 40 से 41 रुपए निफ्टी की अर्निंग्स का पार्ट है, तो 100 रुपए में से 41 रुपीज केवल इससे आता है। तो एक बड़ा सेक्टर है, बड़ा मार्केट कैप है, और बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है वहां देखना चाहिए। दूसरा एक और सेक्टर है जो काफी चल चुका है, लेकिन मुझे लगता है वहां पे मार्केट जो है लॉन्ग टर्म ट्रेंड को अंडर एस्टिमेट कर रही है, वो है इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स और केपेक्स साइकिल। तो ये काफी समय के बाद सेक्टर वोग में आया है, लास्ट एक साल में वैल्यूएशंस भी कई जगह पे एक्सपेंसिव हो गई हैं, मुझे लगता है। लेकिन अगर आप वैल्यूएशंस को रिस्पेक्ट करें, बॉटम अप एनालिसिस करें, तो यहाँ पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी। उसका रीजन क्या है, मैं आपको एक बड़ा टेलविंड बताता हूँ। सो पिछले, अगर आप 75 ईयर्स देखेंगे, 75 साल में इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने $14 ट्रिलियन खर्च किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में, टोटल गवर्नमेंट, प्राइवेट और हाउस होल्ड को अगर मिला दें, तो कितना खर्चा साल का करते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, 75 ट्रिलियन, 75 ईयर्स में $14 ट्रिलियन का खर्चा हुआ है। और इसमें से अगर आप आखिरी के 9 साल देखें, अभी से 9 साल पीछे, तो 14 में से 60 ट्रिलियन केवल इन 9 सालों में हुए, और अगले 6 साल में और 60 ट्रिलियन खर्च होने वाला है। तो ये जो बड़े नंबर्स अब बन रहे हैं इंडिया के लिए, वो ये सेक्टर के लिए काफी बड़ी टेलविंड है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अंडर अप्रिशिएटेड है। और तीसरा सेक्टर मुझे लगता है जो वैल्यूएशंस पे काफी सस्ता है, लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आ रहा है, वो है हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटल्स, पैथ लैब, जहाँ पे एक और अच्छी वैल्यूएशंस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल है, जहाँ पे मुझे लगता है अबव मार्केट रिटर्न मिल सकते हैं अगले कुछ सालों में। सो ये दो तीन सेक्टर हैं जहाँ पे पॉजिटिव रुझान है, और शायद यहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। तो आप ये दो तीन सेक्टर्स की जो बात कर रहे हैं साहिल, जहां आपको अपॉर्चुनिटीज लगती है और आपको लगता भी है कि वैल्यूएशन यहाँ पर अट्रैक्टिव दिखते जा रहे हैं, उसमें थोड़ा और आप अगर हाईलाइट करेंगे, क्या इसमें और मैक्रो थीम क्या और माइक्रो थीम्स क्या दिखती हैं? देखिए, जैसे फाइनेंशियल्स की बात की मैंने, तो सबसे अच्छा बेहतर थीम वहां पे लेंडर्स का दिख रहा है, जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ तकरीबन 20% प्लस चल रही है लगातार, जो कि मार्केट एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग है। अगर आप हेडलाइन मार्केट एक्सपेक्टेशन देखेंगे, तो पूरे मार्केट लेवल पे इस समय कंसेंसस है कि मार्केट 15% अर्निंग्स ग्रोथ कर लेगा, तो भी बहुत बड़ी बात है। और फाइनेंशियल्स वहां पे आपको 20% प्लस की अर्निंग्स ग्रोथ दे रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रहे हैं, तो लेंडर्स मुझे लगता है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद अब अगर आप नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, तो शायद विद इन लेंडर्स NBFC शायद एक बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आएंगे इन FY24। पिछले 3-4 साल में जो साइकिल खराब हुआ 2018 के बाद, वहां पे NBFC से मार्केट का सेंटिमेंट खराब हो गया है, मुझे लगता है उसका रिटर्न आएगा। और तीसरा आपको सेगमेंट एक है जो बार कि इंटरप्ट PSU करना बैंक। पड़ेगा साहिल, मैं आपको एक मिनट इंटरप्ट करना चाहूंगा। अभी अभी कुछ फ्लैशेज आ रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, डायरेक्टली कोटिंग मिस्टर पुतिन,
और पुतिन साहब ये बोल रहे हैं कि हम अपनी जो कार्रवाई है नेटो के खिलाफ वो जारी रखेंगे। पहली बार बहुत दिनों बाद हमने डायरेक्ट कमेंट्री इस मैटर के ऊपर देखी है। बाजार ये मानने लगा था कि शायद यूक्रेन वॉर अब इन द प्राइस हो गई है, सिमर आउट कर जाएगी, लेकिन पिछले 24 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, बाइडेन साहब का इमरजेंसी या वेरी सडन सरप्राइजिंग विजिट काइव में, $500 मिलियन की एड यूक्रेन को, वहाँ रशिया ने भी एक अनडिस्क्लोज सम की एड, मिलिट्री एड रशिया को अनाउंस की, और अब ये कमेंट्री आ रही है। बाजार कैसे रिएक्ट करेगा? हालांकि बोलते हैं कि एक ही जैसी चीज पे बाजार दो बार नहीं रिएक्ट करता है। अजय, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूं इसमें, लेकिन इसके लिए हमें शायद ऑयल मार्केट को नजदीकी से देखना चाहिए। ऑयल मार्केट में क्या चेंजेस हुए हैं पिछले 6 महीने में? जो एक बुलिश रुझान था उसका, जिसको बैकवर्डेशन बोलते हैं, वो तकरीबन पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो इस समय ऑयल मार्केट ऐसी स्थिति में है जहां पे वो ये बता रहा है कि सप्लाई विल ओवरटेक डिमांड, इन्वेंट्री रीबिल्ड होना शुरू हो गया है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, गैसोलीन हो, डिस्टिलेट हो, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो नॉर्मलाइज हो रहा है। दूसरा, बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन था कि रशिया की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। वो तकरीबन 11 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोड्यूस कर रहे थे जब फेब 22 में वॉर शुरू हुआ, और एक्सपेक्टेशन था कि वो गिर के 7.5-8 हो जाएगी, लेकिन जो लेटेस्ट नंबर है वो दिखा रहे हैं कि वो प्रोडक्शन उतनी की उतनी है, उसमें हार्डली कुछ चेंज आया है, शायद फ्यूचर में वो कम हो जाए। तो जो नंबर्स हैं दे डोंट टैली अप। दूसरा, हिस्टोरिकली हमने देखा है जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एक बार वो अगर लंबे चलते हैं तो वो काफी सालों तक चलते हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स कंटिन्यू होते हैं। अगर ये एस्केलेट होता है बिटवीन सम सुपर पावर्स लाइक नेटो प्लस रशिया, देन ऑफ कोर्स वी विल हैव टू टेक नोटिस, इसको और गहराई से समझना पड़ेगा। बट मुझे लगता है अभी अगर आप सिर्फ मार्केट डेटा देखेंगे तो मार्केट ने शायद इसको डिस्काउंट कर दिया है और बहुत ज्यादा फोकस नहीं है यहाँ पे। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट व्हाट अ कोइंसिडेंस कि ये कॉमेंट्स अब जब आए हैं पुतिन के, वो एग्जैक्टली आफ्टर ईयर जब इन्हीं दिनों में वॉर शुरू हुआ था, और अब आज एक साल के बाद आप वही उसी तरह की कॉमेंट्स सुन रहे हैं कि ना कार्रवाई, अभी भी सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। बट दैट्स राइट, बाजार दो बार एक सेम इवेंट को रिएक्ट नहीं करता है, और ऑयल पर जो आपने एक अपना व्यू दिया इस पूरे मैटर पर, वो एक इम्पैक्ट, लिमिटेड इम्पैक्ट जरूर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया साहिल आज समय देने के लिए और ये सारे व्यूज़ हमारे व्यूवर्स तक पहुँचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, इस बीच मार्केट्स पर एक व्यू वापस लौटते हैं। इनफैक्ट